हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ दास सर। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, यदि आप इस चैनल पे मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुँचे और आप जल्द से जल्द सीख लें। स्टूडेंट, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर भी करते रहें। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है वॉइस पार्ट 3, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस एक्टिव से पैसिव बनाने के क्या नियम है? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के क्या स्ट्रक्चर है उस पे चर्चा करना है, राइट? इसके लिए एक डायग्राम बनाना जरूरी है, उसको हम बना देते हैं, राइट? इस डायग्राम के द्वारा हम समझेंगे इसके रूल, राइट? ये हमारा डायग्राम तैयार हो रहा है। राइट, एक्टिव से पैसिव। अब है जैसे एक्टिव 1 सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? इसका पैसिव क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस इच या एम या आर प्लस V3 प्लस बाय मीन्स एजेंट। एजेंट रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, राइट? ये हो गया आपका अफर्मेटिव। अब इसका जब निगेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट लगाना होता है, नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब पैसिव में इसका निगेटिव क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस इच या एम या आर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाय, राइट? अब जब इसका ये हो गया आपका निगेटिव, इट इज निगेटिव। नाउ इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के लिए डू या डज को सब्जेक्ट से पहले अप्लाई करना होता है, फिर V1 अप्लाई करना होता है, अदर वर्ड साइन ऑफ इंट्रोगेशन, राइट? अब इसका क्या हो जाएगा? तो इज अमार को पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट डालना होता है, सब्जेक्ट के बाद V3 बाय साइन ऑफ इंट्रोगेशन, राइट? अब इसका जब निगेटिव बनाएंगे तब क्या हो जाएगा? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 ऑब्जेक्ट। ये आपका निगेटिव हो गया इंट्रोगेटिव का। अब इसका निगेटिव इच या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाय साइन ऑफ इंट्रोगेशन, राइट? अब WH क्वेश्चन से रिलेटेड
डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड कुछ भी आ सकता है, फिर डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वी वन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, राइट। डब्ल्यू इसका पेसिव में डब्ल्यू एच प्लस ईच या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस बाय साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब इसका निगेटिव देख ले, डब्ल्यू एच प्लस डू या डज, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद भी वन, फिर अदर वर्ड ऑब्जेक्ट, राइट। अब इसका पैसिव देख ले, पैसिव का डब्ल्यू एच प्लस एच या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी थ्री प्लस बाय यानी एजेंट, एजेंट रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। क्लियर करना होगा वाक को, तो हम क्या करेंगे उसको डाल देंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे, राइट। ये आपके स्ट्रक्चर है, ये एक्टिव के हैं और ये पैसिव के हैं, इसको ध्यान से देख लेना है। दसवीं के बोर्ड के एग्जाम के लिए, बारहवीं के बोर्ड के एग्जाम के लिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आएंगे, इसलिए इसको वॉइस को ध्यान से देख लेना है। जनरल जो एग्जामिनेशन होता है स्कूल लेवल पर, वहां भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टूडेंट मुझे, मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इसको गौर से देख लें, ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर के आधार पर ही हम पैसिव बनाते चले जाएंगे। इसको ध्यान से देख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, स्ट्रक्चर को याद करना है, प्रैक्टिस करना है। पहले स्ट्रक्चर को याद कर लेंगे, वर्ब फॉर्म भी थ्री भी याद रखेंगे, वो बार बार मैं कर रहा हूं कि भी थ्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। ये हो गया अफर्मेटिव, ये हो गया निगेटिव, ये हो गया इंट्रोगेटिव, ये हो गया इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ये हो गया आपका डब्ल्यू एच क्वेश्चन और ये हो गया डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस निगेटिव, राइट। इस हिसाब से आप बना लेंगे, मुझे उम्मीद है आप देख लेंगे, देख लें। अब एक दो एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको बनाते चले जाएंगे, देखिए कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन वॉइस बनाने का फंक्शन क्या है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव का सब्जेक्ट, और एक्टिव का सब्जेक्ट, पैसिव का ऑब्जेक्ट, इस चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। क्या फंक्शन है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव का सब्जेक्ट, राइट। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, राइट। एग्जाम्पल के लिए कुछ ले लेते हैं, बीच से, राइट। एक दो थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, यानी सिक्स पार्ट में बांट देना है। कितने पार्ट में स्टूडेंट, सिक्स पार्ट में। जैसे आई राइट ए लेटर, आई राइट अ लेटर, राइट, आई राइट अ लेटर, एग्जाम्पल के रूप में आई राइट ए लेटर। अब इसका पैसिव क्या बन जाएगा, तो उसका फंक्शन क्या है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव का सब्जेक्ट। तो ए लेटर, ए लेटर इज रिटेन, रिटन बाय, और आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहां पे, मी, ऑब्जेक्टिव केस मी, ए लेटर इज रिटेन बाय मी। नेक्स्ट इसका जब निगेटिव बनाएंगे, आई डू नॉट राइट ए लेटर, क्या है,
I do not write a letter. इसका जब negative बनाएंगे तो a letter is, a letter is not written. A letter is not written by me, right? जब इसका हम interrogative बनाएंगे तब क्या हो जाएगा? Do I write a letter? Do I write a letter? Right? इसका जब पेशी बनाएंगे तब इज हमारे को सब्जेक्ट से पहले रख देना है, तो इज अ लेटर, इज अ लेटर रिटन, इज अ लेटर रिटन बाय मी, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब इसका जब निगेटिव बनाएंगे तब क्या हो जाएगा? डू आई नॉट राइट अ लेटर, राइट? इसका पैसिव में इज अ लेटर, इज अ लेटर नॉट रिटेन बाय, रिटेन बाय मी, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। फिर डब्ल्यू एच क्वेश्चन में ले ले एक एग्जांपल के लिए वाई, बहुत जरूरी होता है इसको, स्ट्रक्चर पूरा ध्यान में रखिए, उस पर बैठाते जा रहे हैं। व्हाई डू आई राइट अ लेटर, राइट? व्हाई डू आई राइट ए लेटर, इसका क्या हो जाएगा? व्हाई इज अ लेटर रिटेन बाय मी, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। फिर इसको इसमें निगेटिव वाला में व्हाई डू आई नॉट राइट अ लेटर, राइट? अब इसका निगेटिव पैसिव का व्हाई इज अ लेटर, व्हाई इज अ लेटर नॉट रिटेन बाय मी। एक एग्जांपल के तौर पर मैंने दिया, इसके आधार पर आप बहुत सारा एग्जांपल खुद से बना सकते हैं, ये स्ट्रक्चर है। इससे पहले मैंने स्ट्रक्चर दिया, उस पर उस आधार पे आप बैठाते चले जाएंगे। अब किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा एक्सिलरीज भर रहता है उसको मैंने टेंस में दे रखा है, उसको आप देख लेंगे, फिर इस पे बैठाते चले जाएंगे। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप ढंग से बना लिए होंगे, राइट? सीख गए होंगे। अब इसका जब हम दूसरा कोई एग्जांपल लेंगे, जैसे ही, तो ही के साथ क्या लग जाएगा निगेटिव में? डज, और ही के साथ इज, राइट? आई, जब यहां पे यू हेल्प मी तब क्या हो जाएगा? आई इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा आई एम, राइट? आई एम हेल्प बाय यू। इस हिसाब से आप खुद बना सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट पार्ट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।